हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस एंड योर चैप्टर इज फाइबर टू फैब्रिक। चैप्टर नंबर 4, फाइबर टू फैब्रिक। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज करवाई थी। टुडे हम आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स करेंगे। अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, What are the most widely used natural fibers? You know, हमने previous video में आपको reading करवाई थी, इसका answer क्या होगा students? Cotton। क्या answer होगा? Cotton। Next, तो आप ऐसे लिख सकते हैं cotton are the most widely used natural fiber। ठीक है, cotton are the most widely used natural fiber। नेक्स्ट है, नेम सम ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं, मैंने आपको रीडिंग करवाया था, आपका पॉलिस्टर है, नायलॉन है एंड एक्रेलिक एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? आर द सिंथेटिक फाइबर्स। नेक्स्ट, फ्रॉम विच एनिमल इज वूल ऑब्टेंड। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर होगा इसका शीप। एक किससे? शीप से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर्स। तो आप जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं हमारे। ठीक है, तो कॉटन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर्स, इसका आंसर होगा कॉटन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर्स। हमने आंसर कॉटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, What are the synthetic materials made of? तो आंसर होगा synthetic materials are made from raw materials such as petrol। ठीक है, वेरी शॉर्ट है तो शॉर्ट पर लिखेंगे। नेक्स्ट, विच मेथड इज मोस्टली यूज फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन। तो हैंड पिकिंग मेथड इज मोस्ट यूज फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन। आंसर क्या होगा स्टूडेंट? हैंड पिकिंग मेथड। ठीक, हैंड पिकिंग मेथड इज मोस्ट यूज फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सोयल इज रिक्वायर्ड फॉर जूट ग्रोइंग। तो आंसर इसका क्या होगा? एल्यूवियल सोयल। एल्यूवियल सोयल इज रिक्वायर्ड फॉर जूट ग्रोइंग। ये आपका आंसर है, एल्यूवियल सोयल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच सीजन इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जूट। रेनी सीजन इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जूट। आंसर आ गया हमारा रेनी सीजन। नेक्स्ट हमारे छात्र ने हम सॉल्व करेंगे, राइट शॉर्ट आंसर। अब व्हाट आर फाइबर्स? ये यू नो, आप जानते हैं फाइबर क्या है। फाइबर इज द हेयर लाइक मटेरियल फाउंड इन स्टेम एंड फ्लावर। यहाँ से होगा फाइबर इज द हेयर लाइक मटेरियल फाउंड इन स्टेम्स एंड फ्लावर। ठीक, नेक्स्ट, व्हाई डू वी वियर क्लॉथ्स? इसका आप आंसर जानते हो कि क्लॉथ्स क्या करते हैं? कंफर्टेबल होते हैं और साथ साथ में क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, प्रोडक्शन करते हैं हमारे। नेक्स्ट, व्हाट आर द 4 स्टेप्स ऑफ मेकिंग फैब्रिक विथ फाइबर? 4 स्टेप ऑफ मेकिंग फैब्रिक विथ फाइबर आर गेनिंग, कॉम्बिंग, स्पाइनिंग एंड वीविंग। ठीक है, ये 4 स्टेप। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा What do you mean by gaining? तो इसका आंसर आपका, तो gaining is a process by which seeds are separated from the fibers. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट है, what are weaving strands? तो वीविंग का आंसर होगा हमारा, व्हाट आर वीविंग?
वीविंग वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक. ओके स्टूडेंट्स, वीविंग वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक. फिर क्वेश्चन नंबर 6, नेम द प्लेसेस वेयर जूट इज प्रोड्यूस्ड. तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आपका इंडिया एंड बांग्लादेश. अब इंडिया में कौन से है आपका, वेस्ट बंगाल बिहार एंड असम आर चीप जूट ग्रोइंग स्टेट्स इन इंडिया. ठीक है, जूट आपका इंडिया में और बांग्लादेश में, तो आपका आंसर होगा जूट इज ग्रोन थ्रू आउट एशिया चीफली इन इंडिया एंड बांग्लादेश. वेस्ट बंगाल बिहार एंड असम आर चीफ जूट ग्रोइंग स्टेट्स इन इंडिया. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइबर्स एंड फैब्रिक्स. तो इसका आंसर इस प्रकार से हम राइट कर सकते हैं. फर्स्ट लिखेंगे हम फाइबर इज अ नेचुरल प्रोडक्ट. फाइबर इज अ नेचुरल प्रोडक्ट दैट वी कंडक्ट स्टेम द प्लांट्स और एनिमल्स एग्जाम्पल कॉटन जूट वूल एक्सेट्रा. एंड फाइबर जो आपका फैब्रिक होता है वो क्या होता है, फैब्रिक होता है स्टूडेंट्स द क्लॉथ वी वियर, द क्लॉथ वी वियर. तो आपका आंसर शो कर देंगे, राइट कर देंगे हम आंसर राइट करेंगे. फाइबर इज अ नेचुरल प्रोडक्ट दैट वी कंडक्ट स्टेम द प्लांट और एनिमल्स एग्जाम्पल कॉटन जूट वूल एक्सेट्रा. फैब्रिक द क्लॉथ वी वियर. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका शॉर्ट आंसर. ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लॉन्ग आंसर कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.